सोमवार की अष्टमी, शिवरात्रि या सोमवार प्रदोष बन सके, तुम्हारे पास में शिवालय हो या बेलपत्री का वृक्ष हो, वहां दीप दान अवश्य करना चाहिए। अब एक बात का स्मरण आपको रहे थोड़ा सा, अगर किसी कामना के वश अगर हम दीप लगा रहे हैं या हमारे मन में कोई भाव उत्पन्न है और हम बाबा से कहना चाहते हैं कि बाबा मेरा ये कार्य है आप पूर्ण करिएगा, तो फिर शिव मंदिर में भी लंबी बाती का दीप आप प्रदोष या सोमवार की अष्टमी या सोमवार या आप शिवरात्रि को बाबा से निवेदन कर लगा सकते हैं। हाँ, विशेष जब कोई एक बहुत बहुत बड़ी बात हो और आपके कार्य में कहीं अटकल हो रही हो तो एक ही दीप में दो बातें, शिव और शक्ति, लंबी बाती बनाई शिव और शक्ति के नाम से, दो बाती एक साथ एक दीप में भी लगा सकते। कई कई माताएं मंदिर में मालूम पड़े दिया लगाने जाएं और कह दे कि नहीं सियोर वाला महाराज ने बोला है दो बत्ती रखना है, तो उसने दिए के अंदर दो बत्ती अलग अलग रख दी। ना 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 ना, बत्ती अलग बनेगी। कपास लिया एक बत्ती तैयार करी, कपास लिया दूसरी बत्ती तैयार करी, दोनों को तैयार कर फिर दोनों को एक कर दिया, अर्थात शिव और शक्ति दोनों को एक हो, ये दोनों की शक्ति से जो कार्य मेरा अटक रहा है, जो कार्य में मुझे तकलीफ आ रही है, ये दोनों मिलकर उसको पूर्ण कर दें। जब तुम्हें लगे कि चार पांच बीमारी घेर रही है, जब तुम्हें लगे कि ये तकलीफ आ रही है, जब तुम्हें लगे चारों तरफ से किसी ने घेर लिया, तब फिर किसी तीर्थ में, किसी नदी की पवित्रता में, किसी धाम में, किसी प्राचीन शिव मंदिर में, किसी देवालय में, किसी शिवालय में फिर जाकर फिर उस दीप को कहकर बाबा दूर, मेरे भगवान से दूर, बहुत बीच वाले जो पत्ता है उस पर पीला चंदन, जब आपको लगे कि मेरा जीवन बहुत कष्टमय है, अब ये रोग, अब ये कष्ट दूर ही नहीं हो रहा, अब ये आए दिन तकलीफ पर तकलीफ बढ़ती जा रही है, आए दिन रोग बीमारी, पैसा घर में बच नहीं रहा, बहुत कष्टमय जीवन है, इसमें लगाओ पीला चंदन बेलपत्री की बीज पत्ती पर। महाराज, और बीज पत्ती पर जब चंदन लग जाए, लगने के बाद में ये दोनों पत्ती पर लाल चंदन लगा लीजिए, इन दोनों पत्ती के बीच में जो डंडी का भाग होता है, आपको कहा था, आपको स्मरण में होगा शायद, हमने जब बेलपत्री की महत्वता बताई थी तो उस बेलपत्री की महत्वता में कहा था ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन हैं, बोला था बीच में ये बड़ी पत्ती से लेकर जो दो पत्तियां होती हैं इनके बीच में जो जगह बचती है, इसमें माँ पार्वती के 64 योगनियां, माँ पार्वती अपनी पूर्ण सिद्धि के साथ में जितनी भी देवी के स्वरूप हैं, वो माता 64 योगनियां देवी के स्वरूप में यहां पर विराजमान होती हैं। दो पत्ती के नीचे से जो डंडी होती है नीचे तक, ये पूरी डंडी में 33 कोटि देवी देवताओं विराजमान होते हैं इस पूरी डंडी के अंदर। तो ये बीच वाली पत्ती है, ये जो बीच वाली पत्ती का जो भाग होता है, इस पत्ती के भाग में शहद का प्रयोग कर यहां पीला चंदन, लाल चंदन, लाल चंदन, शहद का प्रयोग कर इसी तरह से पकड़कर ये बेलपत्री की जो डंडी है वो अशुक सुंदरी पर जब आप समर्पित करें तो जहां से जल बहता है उस ओर पर इस पत्ती को चढ़ाकर, केवल आपके हृदय की बात कहकर देव अधिदेव महादेव से कोई भी शिव जी का मंत्र, पंचाक्षर नमः शिवाय, षडाक्षर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या महामृत्युंजय मंत्र, जो शिव का मंत्र हो आपके पास में, उसको बोलते हुए देवाधिदेव महादेव को धीरे धीरे जल की धार चढ़ाना प्रारंभ करो। जल की धार जब पूर्ण होने लगे, उसमें थोड़ा जल बचे, तब अशोक सुंदरी पर जो तुमने बेलपत्र चढ़ाई है वहां उस जलधार को चढ़ाए। ये प्रयोग
आपको केवल सोमवार की अष्टमी पढ़ने पर ही करना है। कौन से दिन करेंगे? जम के बोलिए जरा, सोमवार की अष्टमी पढ़ने पर यह प्रयोग करें। चाहते हो कि इस परीक्षा में मैं पास हो जाऊं, और बहुत जरूरी है मेरा पास होना, मैं बहुत बार दे चुका हूं, बहुत बार दे चुकी हूं, तो प्रयास करना एग्जाम के पहले कोई सोमवार पढ़े, त्रिपुरा सुंदरी माता का नाम लेकर उत्तर की ओर मुख कर गन्ने का रस, शुगर का रस, गन्ने का रस, एक का रस लेकर दोनों हाथों में कलश में भरकर नाम और गोत्र आपका बोलकर मन की कामना कर जैसे कांवड़ शिव जी को चढ़ाते हैं दोनों हाथ से, उसी तरह वो गन्ने का रस से शंकर जी का अभिषेक त्रिपुरा सुंदरी के भाव से कर दीजिए महाराज। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें आप पास नहीं हो सकते, निकल ही जाओ, निकल ही जाओ। त्रिपुरा सुंदरी माता का स्मरण मात्र स्मरण सुख का देगा। बात और याद रखिए, बहुत बड़ी समस्या, कोई निर्णय निकल ही नहीं रहा, कोई निर्णय नहीं आपके पास, बहुत बड़ी समस्या। बेलपत्र का कमल पुष्प बनाओ। क्या बनाना है? बेलपत्र का कमल पुष्प। ये बेलपत्र के 21, 31, 51, 108 बेलपत्र को एक साथ लेकर कमल पुष्प का निर्माण करिए महाराज। और कमल पुष्प का निर्माण कर बीच में रख लीजिए लाल चंदन, उसके ऊपर रखो पीला अक्षत, हाथ की हथेली में लेकर बाबा से निवेदन कर शिव बाबा के शिवालय में शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। शिवलिंग पर चढ़ाकर सात लोटा पानी, सात कलश जल शंकर पर धीरे धीरे अपनी कामना कर चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। समस्या कैसी भी हो निपटारा हो। आज ये बहुत विकट समस्या खड़ी हुई है, इसका हल आज ही होना चाहिए। विकट समस्या में करना, नहीं तो तुम थोड़ी बस मेरी चाबी खो गई। विकट समस्या, बहुत विकट समस्या। कितनी पत्ती का बनता है? जम के बोलते जाओ, 11, 21, 51, 108 इससे भी अधिक ले सकते, 111, 121, 151। आपका मन पड़े पर बनने के बाद में वो पत्ती का जो चिकना वाला भाग है ना, सीधा भाग, वो शिवजी के शिवलिंग की ओर होना चाहिए। तुम्हारा मुख उत्तर की ओर होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? उत्तर की, जहां से जलाधारी से जल, जलाधारी का जल कहाँ जाता है? उत्तर की ओर जाता है ना। तो तुम कहाँ बैठोगे? दक्षिण। कहाँ बैठोगे? दक्षिण में तुम बैठोगे, उत्तर की ओर मुख कर। कोई काम अटक रहा है, कोई काम नहीं हो रहा, बहुत परेशान हो गए, बहुत थक गए उस काम के लिए, सबके हाथ भी जोड़ लिए, सबके पास होकर आ गए, पर वो काम बढ़ी नहीं रहा, तो निवेदन करते हैं, घी के दिए में काली तिल डालकर सोमवार के दिन शंकर जी के मंदिर के सामने तुम रूखा जी का नाम लेकर दिया लगाकर जिस काम को तुमने दुनिया के आगे कहकर देख लिया, कर देख लिया, नहीं हुआ, उस कार्य को एक बार दिया लगाकर निवेदन कर फिर जाकर देखना, काम आगे बढ़कर ही रहेगा, छूटेगा नहीं। तो शंकर भगवान ने कहा था, लक्ष्मी बस इतना करना, प्रत्येक सोमवार के दिन तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाना और वहां बैठकर वहां पर झाड़ू लगाना। शाम के समय जो बेलपत्री के पेड़ के नीचे सोमवार के दिन दिया लगाए, उसके घर में तो प्रवेश कर जाना। आज भी नियम है, अगर जिसके यहाँ लक्ष्मी नहीं टिकी, जिसके यहाँ संपदा नहीं बढ़ती, जिसका व्यापार नहीं चलता, जिसके सर्विस नौकरी सही नहीं हो रही, उसको सोमवार के दिन अगर बेलपत्री के पेड़ के नीचे जो दिया लगाता है, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती, साहब लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश करती है। आज भी कोई विशेष कार्य है, अटक रहा है, बहुत दिन से लगे हो, नहीं हो रहा, एक कलश जल, एक बेलपत्र, शिव मंदिर में जब बेलपत्र लेकर जाए, बेलपत्र रखी सीधे हाथ में, उसके ऊपर रख लिया कलश, उसमें जल भरा हुआ हो, अपनी कामना कर मंदिर में पहुंचकर कलश को उल्टे हाथ में लेकर बेलपत्र को पहले अशुभ सुंदरी वाली जगह पर, ये डंडी का जो भाग है जहाँ से पानी बहता है
अशोक सुंदरी की जो जगह होती है, और ये पत्ती उस जगह पर उसको रख दें अशोक सुंदरी वाली जगह पर, और शंकर भगवान को सीधे हाथ में जल लेकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर जल समर्पित कर शंकर भगवान के चारों ओर जल छोड़कर फिर शिव जी के शिवलिंग पर जल समर्पित करें। लगभग 2 या 3 सोमवार लगातार प्रतिदिन। जब विषम परिस्थिति आ जाए, ऐसा लग रहा है कि आपने पशुपति व्रत कर लिया, सोमवार की अष्टमी का प्रयोग कर लिया, मैंने शंकर जी की आराधना कर ली, तो भी विषम परिस्थिति चल रही है, अभी तक कोई सुधार आने को तैयार नहीं है, तब शंकर जी के मंदिर में जब बेलपत्र चढ़ाने के लिए आप जाएं, तब प्रयास करिएगा कि बेलपत्र को, अशोक सुंदरी का स्थान सबको मालूम है ना, बोलो जम के बोलो जरा, मालूम है सबको, अशोक सुंदरी वाली जगह पर बेलपत्री को डंडी वाली जो जगह है जहां से पानी बहकर जाता है उधर रखना, उसी बेलपत्री को वापस उठाना, शिव जी के शिवलिंग पर जब बेलपत्री रखो तो डंडी का भाग, आप यहां बैठे हो तो डंडी का भाग पीछे की ओर होना चाहिए, शिवलिंग जैसे ये है तो डंडी का भाग पीछे की ओर, उसको रखकर 7 लोटा जल भगवान शंकर पर समर्पित कर दीजिए, अपने भाव को रखते हो। अगर विषम परिस्थिति चल रही है, आपने पशुपति व्रत कर लिया, सोमवार की अष्टमी का कर लिया, उसके बाद भी कार्य नहीं हो रहा, अटक रहा है किसी कारणवश, कोई फाइल मोटी है, थोड़ा समय लग रहा है, तो 7 लोटा जल का प्रयोग करें, धीरे धीरे 7 लोटा जल शिव जी को बाल्टी में भर कर ले जाए अपने घर से, 7 कलश जल शिव जी को समर्पित करना है, और समर्पित करने के बाद उस बेलपत्री को वापिस अपने ही घर पर लेकर आ जाना है, 11 दिन 21 दिन उसको रखो, फिर उसका विसर्जन वापिस किसी नदी सरोवर तालाब या वृक्ष के नीचे कर दीजिए, बाबा हाथ पकड़ कर बाहर निकाल ही देगा। परिस्थिति अगर बहुत ऊंची विषमता, बहुत विषम परिस्थिति में उस जगह पर इसका प्रयोग कर सकते, किसी भी कार्य के लिए जा रहे हो, किसी भी कार्य के लिए पहुंच रहे हो, शंकर जी के मंदिर में दर्शन कर जाना, और चढ़ी हुई ही बेलपत्र को धोकर वापिस शिव जी को चढ़ाकर चले जाना, और आपको लग रहा है ऐसा कि ये मेरा कार्य होना चाहिए, तो बाबा से वो बेलपत्र मांग भी लेना कि कार्य की सफलता के लिए दे दो, मैं लेकर जाऊंगा। इस बेलपत्र को पार्वती जी, गणेश जी, रिद्धि सिद्धि, जया, विषहरा, सामरीबारी, दौतली, भगवान शंकर, अशोक सुंदरी, आपके प्रतिबिंब के रूप में लेकर जा रहा हूं, और मुझे विश्वास है कि मेरा शंकर मेरे साथ में चल रहा है, मेरा शिव मेरे साथ चल रहा है, तो मेरा कार्य होगा, ये निश्चित है, कार्य सफल होगा, फिर लाऊंगा वापिस मंदिर में चढ़ा दूंगा, इतना मेरा मन, मेरा विश्वास कहता है।